होली का त्यौहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं जिस घर में किसी कारणवश यह त्यौहार नहीं मनाया जाता, यानी जिसके यहाँ गमी हो जाती है, उनके यहाँ होली का रंग गुलाल उड़ाने के लिए पंचायत उनके घर अनरई मिटाने के लिए पहुँचती है। इस पंचायत में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। पंचायत का एक सरपंच नियुक्त होता है, वहीं सरपंच दुखी परिवार के यहाँ होली के रंग और गुलाल डालता है, जिससे वह परिवार इस पंचायत का लौंग, इलायची और इत्र से सम्मान भी करते हैं। यह परंपरा 500 वर्ष पुरानी बताई जाती है। बड़ी बात यह है कि इस पंचायत से घर के विवाद भी सुलझाए गए हैं। पंचायत में अब बड़ी तादाद में युवा भी शामिल हो रहे हैं। होली की अनरई पंचायत में होली के दिन सदर बाजार में गोपाल कन्हैयालाल जी का घर के सामने बने चबूतरे पर एक पंचायत बैठती है, जिसमें एक सरपंच की नियुक्ति सर्वसम्मति से होती है। सरपंच के हाथ में रंग और गुलाल की थाली दी जाती है। रंग और गुलाल सरपंच दुखी परिवार के परिजनों के ऊपर डालता है। इससे यह मान्यता है कि उनका अनरई का त्यौहार रंग डालने से मिट जाता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।